युवाओं की इस हाई लेवल वोकैबुलरी क्लास में आज जो हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो वर्ड्स लेने जा रहे हैं वह शब्द कंसाइज। पहले मैं आपको इस कंसाइज शब्द का एक बार मीनिंग बता दूं। आप लोग ऑक्सफर्ड लॉन्गमैन या जो भी अदर बड़ी डिक्शनरी यूज करते हैं, अब उन बड़ी डिक्शनरी की बजाय अगर आप उसका छोटा एडिशन यूज करें कंसाइज, यानी उसका संक्षिप्त लेकिन सार गर्भित महत्वपूर्ण शब्दों का संग्रह लेकिन वो संक्षिप्त में है तो उसे हम लोग कंसाइज कहते हैं। और मैंने यहाँ पे एक शब्द यूज किया कंसाइज एडिशन। ये जो कोई भी पुस्तक कोई भी न्यूज़पेपर का जो संस्करण आप यूज करते हैं हिंदी में उसे इंग्लिश में हम लोग एडिशन बोलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ, मैंने अधिकांश या मेजोरिटी लोगों को इस संस्करण शब्द के लिए इस एडिशन शब्द को उच्चारण करते हुए देखा जो कि इसको बोलते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं? एडिशन। बेसिकली ये एडिशन शब्द इसका गलत है, इसका सही प्रोनंसिएशन होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये शब्द आता है एडिट से और नो डाउट ये एडिट है अपने आप में इसे शुरू हुआ एडिट, इसी से एडिटर बन जाता है, इसको हमने एडिटर ही का एडिटर, थोड़ा इसको सही से लिख दूं मैं एडिटर, और ये भी एडिटर है यानी इसके अंदर आपने रो जोड़ दिया तो एडिटर हो गया। इसी शब्द से आप एडिटोरियल बना सकते हो और ये बन गया एडिटोरियल, एडिटोरियल, ठीक है। लेकिन जब आप इसे एक नाउन बनाते हैं आई ओ एन जोड़कर एडिट में, तो अब आप इसे एडिशन नहीं बोलेंगे, इसे हम लोग एडिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडिशन। क्लियर? आइए अब हम इन शब्दों को डिटेल में सीखते हैं। और पहला शब्द जो है कंसाइज है, जो संक्षिप्त के लिए आप लोग यूज करते हैं, इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। अब इनमें ये मान लीजिए जो चीज संक्षिप्त में है लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीज उसके अंदर आ गई, इसलिए वो संक्षिप्त वाली चीज सार गर्भित है। ये कोई बुक हो सकती है, कोई लेक्चर हो सकता है कि संक्षिप्त लेकिन सार गर्भित, यानी उसका महत्वपूर्ण भाग उसके अंदर आ गया तो कहलाता कंसाइज। इसके लिए एडवांस्ड लेवल वर्ड्स है सक्सिंक्ट, एब्रिज्ड, पिथी, टर्स एंड लकॉनिक। आइए अब एक एक शब्द को हम लोग डिटेल में सीखते हैं। पहला शब्द है कंसाइज, यानी ब्रीफ एंड टू द पॉइंट, जो संक्षिप्त में है लेकिन टू द पॉइंट है, यानी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कंसाइज बुक, कंसाइज डिक्शनरी, कंसाइज एडिशन, क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शंस, यानी बहुत साफ लेकिन संक्षिप्त में निर्देश, कंसाइज समरी, कंसाइज पैराग्राफ। ये सब कंसाइज एडजेक्टिव के रूप में यहां पर यूज हुआ अलग अलग नाउन्स के पहले। अब अगला शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह शब्द है सक्सिंक्ट। सक्सिंक्ट ये राइटिंग और स्पीच दोनों के लिए यूज होता है, यानी आपने कोई आर्टिकल लिखा, कोई बुक लिखी या कोई लेक्चर दिया, कोई भाषण दिया, वह बहुत ही क्लियर शब्दों में और कम शब्दों में आप अपनी बात को व्यक्त करते हैं तो वह बहुत ही सक्सिंक्ट है, यानी ऑफ राइटिंग एंड स्पीच एक्सप्रेस्ड क्लियरली इन ए फ्यू वर्ड्स। इन ए फ्यू मीन्स कम शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में आपने उसे एक्सप्रेस कर दिया, कंसाइज है, संक्षिप्त है तथा सुस्पष्ट है। जैसा कि सेंडन देखिए, जस्ट गिव मी ए संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन इन 2-3 मिनट्स, कि मुझे कुल 2-3 मिनट में बहुत ही संक्षिप्त लेकिन टू द पॉइंट अपना एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, स्पष्टीकरण दे दीजिए। कीप योर आंसर सक्सिंक्ट एंड टू द पॉइंट, कि अपने आंसर को छोटा रखिए और टू द पॉइंट रखिए, यानी हम इसको ये कह सकते हैं कीप योर आंसर एज सक्सिंक्ट एज पॉसिबल, जितना संभव हो अपने उत्तर को उतना ही संक्षिप्त में रखें लेकिन सार गर्भित हो, टू द पॉइंट हो। और नेक्स्ट है
वी पब्लिश्ड ए पॉकेट गाइड दैट प्रोवाइड सक्सिंक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल इवेंट्स, कि हम एक पॉकेट गाइड उपलब्ध करवाते हैं, पब्लिश करते हैं, प्रकाशित करते हैं, जो कि सभी घटनाओं का बहुत ही संक्षिप्त एंड टू द पॉइंट वर्णन, डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन उपलब्ध करवाती है वो गाइड, सक्सिंक्ट टू द जो बुक है वो। तो इसके लिए यानी बहुत ही सकारात्मक मीनिंग है, कोई भी भाषण या बुक कम शब्दों में लिखी हुई हो, बहुत ही स्पष्ट हो, टू द पॉइंट हो, तो सक्सिंक्ट शब्द का यूज करते हैं। इसमें स्पेलिंग में डबल सी है, SUCCINCT, तो ये सक्सिंक्ट, जस्ट यू डिवाइड इट इंटू टू पार्ट्स एंड देन यू प्रोनाउंस इट, सक्सिंक्ट, सक्सिंक्ट, क्लियर है। तो दो तरीके से आप इसका उच्चारण जो मैंने कहा करने के लिए आप अभ्यास कर सकते हैं। आइए अगला इस सक्सिंक्ट का जो सिनोनिम है वह है एब्रिज्ड। बेसिकली एक शब्द है एब्रिज, एब्रिज का मतलब है कोई भी बुक के फालतू की बातें हटाकर उसको संक्षिप्त कर देना, उस एब्रिज का पास्ट पार्टिसिपल बन गया एब्रिज्ड, एब्रिज्ड। ये एब्रिज वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे कि पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, मीनिंग अ शॉर्टेंड, जिसे काट छाट कर संक्षिप्त में कर दिया, कम कर दिया। जैसे कि द एब्रिज्ड एडिशन ऑफ द बुक इज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के लिए किताब का संक्षिप्त एडिशन, संस्करण उपलब्ध है। ध्यान दीजिए इस शब्द पे, अगेन आई वॉन्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑफ द पीपल प्रनाउंस दिस वर्ड इन रॉन्ग मैनर, दिस इज नॉट एडिशन, दिस इज एडिशन, यू हैव टू प्रनाउंस इट लाइक दिस, एडिशन। नो डाउट ये एडिट से आता है, ये एडिट है, इसी से एडिटर बनता है, इसी से एडिटोरियल बनता है, लेकिन जब हम इसको बुक के संस्करण के रूप में आई ओ एन जोड़कर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो दिस इज कॉल्ड एडिशन, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज एडिशन नॉट एडिशन, सो एब्रिज्ड। आइए अगला शब्द देखते हैं, और अगला शब्द है पिथी। मैं थोड़ा पिथी शब्द का मैंने आपको पहले एक मीनिंग बताया था कि किसी भी बुक या भाषण का सबसे महत्वपूर्ण संक्षिप्त में जो भाग होता है, उसका जो निचोड़ होता है, जो उसका सार होता है, उसे हम लोग कहते हैं पिथ। इसके लिए मैंने आपको कुछ और भी शब्द बताए थे, जैसे कि क्रक्स, नब जैसे शब्द मैंने आपको पहले बताए हैं। ये पिथ के दो मीनिंग है, जो फ्रूट्स आप लोग खाते हैं, जो फल आप लोग खाते हैं, तो ऊपर के छिलके के और बीज के बीच में जो खाने वाला जो भाग है, जिसे पल्प कहते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में गूदा, उसे हम लोग पिथ कहते हैं। और किसी भी फल का सबसे महत्वपूर्ण भाग खाने वाला भाग ही होता है, उसे पिथ से बन जाता है क्रक्स या नब, यानी सार, निचोड़, जो कि एसेंस शब्द के सिनोनिम के रूप में मैंने आपको बताए थे। तो ये नाउन है सबके सब, क्या है ये नाउन है, पिथ, क्रक्स, नब, एसेंस, क्विंट एसेंस, ये सब उसके सिनोनिम है। और ये होता सबसे महत्वपूर्ण भाग यानी सार, निचोड़, उसका जो सार गर्भित तत्व है, इसे पिथ से बन गया पिथी, और ये एडजेक्टिव हो गया, यानी मीनिंग हो गया शॉर्ट बट फुल ऑफ मीनिंग एंड वेल एक्सप्रेस्ड, कि भले वो शॉर्ट है बट फुल ऑफ मीनिंग, यानी इसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण भाग वो चीज आ गई, एंड वेल एक्सप्रेस्ड, और अच्छे से व्यक्त किया हुआ हो, यानी सार गर्भित लेकिन संक्षिप्त में। सेंडेंस देखिए, प्रेस रिलीज मस्ट बी शॉर्ट एंड पिथी, सॉरी इसको पिथी कर लीजिए, गलती से रह गया ये पिथी, कि जो आप जो अखबार में छपने के लिए जो न्यूज देते हो क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और पिथी होना चाहिए, यानी संक्षिप्त हो लेकिन सार गर्भित हो। अगला सिनोनिम है का जो सेंटेंस है, द बुक इज फिल्ड विद ए सीरीज ऑफ पिथी कोटेशंस, कि ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण संक्षिप्त कोटेशन से भरी हुई है, यानी जो कोटेशंस है वो छोटे हैं लेकिन सार गर्भित है। तो इसलिए आप जो पिथी शब्द है वो इस पिथ से ही आया है, और ये शब्द सभी
एसेंस के सिनोनिम के रूप में यूज हुए हैं। तो पिति के बाद अगला जो सिमिलर वर्ड जो है वह शब्द है आपका लेकोनिक। लेकोनिक का मतलब है यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स टू से और एक्सप्रेस समथिंग, जो बहुत ही कम शब्दों में संक्षिप्त में बोला जाता है, मितभाषी है। और मैं आपको यह बता दूं, ये आप रेटिसेंट के सिनोनिम में भी यूज करते हैं, कर सकते हैं। रेटिसेंट जो अल्पभाषी है, जो साइलेंट है, जो रिजर्व्ड है, उसमें भी आप इस शब्द का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जैसे क्या है, नो कमेंट्स वॉज लेकोनिक रिप्लाई बाय द मिनिस्टर, कि कोई कमेंट्स नहीं है, उसका संक्षिप्त जवाब था। संक्षिप्त में है, मितभाषी भी है, तो दोनों मीनिंग यहां पर मैंने दी है। इसलिए आप लेकोनिक शब्द को जो मैंने रिजर्व, क्वाइट, साइलेंट और जो शब्द बताया था रेटिसेंट, जो कम शब्दों में अपनी बात बोलता रखता है, उसमें भी आप इस शब्द का यूज कर सकते हैं लेकोनिक का। तो एक अच्छा शब्द है लेकोनिक भी। आइए अगला सिमिलर वर्ड देखते हैं, यह शब्द है टर्स। टर्स थोड़ा सा नकारात्मक मीनिंग लिए हुए है, संक्षिप्त है, लेकिन रूखेपन से दिया हुआ जवाब हो तो उसे हम टर्स कहते हैं। खास तौर से किसी व्यक्ति का कोई जवाब यानी रिप्लाई, कोई बात, कोई स्टेटमेंट या उसका कमेंट, सो ऑफ ए रिप्लाई, स्टेटमेंट और कमेंट को लेकर यूजिंग फ्यू वर्ड्स, बहुत कम शब्द का यूज होना, समटाइम्स इन ए वे दैट सीम्स रूड एंड अनफ्रेंडली। इस तरीके से जवाब जो कभी कभार अनफ्रेंडली लगता है और रूड भी लगता है, यानी हिंदी में संक्षिप्त लेकिन अशिष्ट और रुखाई भरा जवाब, स्टेटमेंट या कमेंट। जैसा कि मीनिंग देखिए, द मिनिस्टर इश्यूड ए टर्स स्टेटमेंट डिनाइंग ऑल चार्जेस ऑफ करप्शन। टर्स यानी उसने संक्षिप्त स्टेटमेंट जारी किया, सारे जो करप्शन के जो उस पर आरोप थे, चार्जेस थे, उनको झुठलाते हुए कि नहीं नहीं मेरे पे कोई आरोप नहीं है, सारे चार्जेस झूठे हैं, ऐसा केवल टर्स स्टेटमेंट मंत्री ने दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, माय बॉस गेव ए फ्यू टर्स इंस्ट्रक्शंस एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट द ऑफिस, कि मेरे बॉस ने बहुत ही कम शब्दों में और जल्दी में रुखाई भरे इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ए फ्यू टर्स इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉम्प्टली लेफ्ट द ऑफिस, और ऑफिस से चले गए। यानी आए फटाफट, छोटे में संक्षिप्त में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, ये कीजिए ये कीजिए, और ऑफिस छोड़कर चले गए। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज आर्टिकल्स आर ऑलवेज वेरी टर्स एंड टू द पॉइंट, कि उसके जो आर्टिकल्स हैं, जो उसके लेख हैं, वो बहुत टर्स होते हैं और टू द पॉइंट होते हैं। लास्ट सेंटेंस, आई वॉज इन नो मूड टू टॉक सो आई गेव हिम ए टर्स रिप्लाई, नॉट पॉसिबल, मैं बातचीत करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, आई वॉज इन नो मूड टू टॉक, सो क्या किया मैंने, बहुत ही अनफ्रेंडली तरीके से मैंने जवाब दे दिया, टर्स रिप्लाई, संक्षिप्त में जवाब दे दिया, नॉट पॉसिबल। तो ये था टर्स। तो अभी जो आपने शब्द सीखे हैं, मैं एक बार आपको दोहरा दूं, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे किसी का आर्टिकल हो, लेख हो, सॉरी, चाहे किसी का भाषण हो, अगर आप कम शब्दों को यूज करते हुए संक्षिप्त में और अगर सार गर्भित अपनी बात कहते हैं, तो वह कहलाता है कंसाइज, सक्सिंक्ट एंड पिथी। पर आप कम शब्दों में बोलते हैं और आपके वो शब्द थोड़े से रूखे भी हैं, अनफ्रेंडली भी हैं, तो आप शब्द यूज करते हैं टर्स। ठीक ऐसे ही संक्षिप्त या कम शब्दों में कोई बोलते हैं तो कहलाता है लेकोनिक। अब कोई बड़ी बुक या बड़ा लेख है, आपने काट छांट कर उसको संक्षिप्त में कर दिया, तो आप इसे अब्रिज्ड भी कह सकते हैं। तो देखिए, मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि मैं ये शब्द आपको मिलते जुलते मीनिंग के आधार पर बता रहा हूँ, पर कभी कभार संदर्भ में इनका मीनिंग अलग भी हो सकता है। इसलिए रेगुलरली आप कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ते रहिए, अच्छी डिक्शनरीज रेफर करते रहिए, और उन डिक्शनरी से आप इनके जितने भी मीनिंग हैं, जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको देखते रहिए, और जितना ज़्यादा आप इन्हें किसी संदर्भ में या सेंटेंसेस में आप यूज करेंगे, उतना ही लंबे समय तक आप इन शब्दों को अपने दिमाग में भी याद रख पाएंगे। याद रखिए, ये सारे वर्ड्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस
SSC, CDS, NDA, बैंक PO, CLAT, CAT जैसे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस लेवल के वर्ड्स की जानकारी होना ही चाहिए। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।